हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे DIR कमांड के बारे में। ओके, सो DIR कमांड क्या करता है? वो बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई पाथ मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो करंट डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पर जैसे मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है डेस्कटॉप। ओके, तो DIR कमांड क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर कोई पाथ मेंशन नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो करंट डायरेक्टरी की जो भी फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज होंगी, यानी कि करंट डायरेक्टरी का जो भी कंटेंट है उसको लिस्ट आउट कर देगा। ओके, सो लेट्स सी DIR। ठीक है, मैंने कमांड टाइप किया। अब मैं जैसे एंटर की हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने क्या किया, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है डेस्कटॉप, उसके अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सबको लिस्ट आउट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब तो क्या है, सब फाइल्स हैं, और ये क्या है, अदर्स नाम की एक डायरेक्टरी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे हमारे पास में एक डायरेक्टरी है अदर्स। ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो फाइल्स एंड फोल्डर्स लिस्ट आउट हुए वो सब क्या हैं, वो विजिबल है, वो हिडन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे हिडन फाइल्स को, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिस्प्ले करना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अब हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे DIR/A:। अब हिडन वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको लिस्ट आउट कर देगा। बट आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, मैं यहाँ पर कोई पाथ नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। ओके, यानी कि अभी मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे जो भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो लिस्ट आउट हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं /A:H। ओके, अब मैं जैसे ही एंटर की हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो डेस्कटॉप है, जो कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उसमें दो एंट्रीज हिडन है। फर्स्ट तो क्या है, एक f2.txt नाम की एक फाइल, ओके, और दूसरा एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, ओके, टेम्प नाम की। तो ये तो हो गया क्या, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट आउट करने का मेथड। अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में पूछा गया कि आपको सिर्फ डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करना है, ठीक है, फाइल्स को लिस्ट आउट नहीं करना, सिर्फ डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करना है, तो आप क्या करोगे, अगेन /A:D। डी का मतलब क्या हुआ कि आपको डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर की हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो उसने क्या किया, जो हिडन है उनको भी इंक्लूड किया। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे एक तो ये विजिबल है, अदर्स नाम की एक डायरेक्टरी, और जो हिडन डायरेक्टरी थी हमारी टेम्प नाम की, उसको भी इसने लिस्ट आउट किया। अब आप कहोगे कि ऊपर ये सिंगल डॉट और डबल डॉट ये क्या है, सिंगल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को, ओके, और डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पेरेंट डायरेक्टरी को, ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट दो डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करता ही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। DIR, अगर मुझे डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, /A:D, ये क्या करेगा, डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करेगा। बट मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ लिया कि डायरेक्टरीज को छोड़ के सिर्फ फाइल्स को ही हमें लिस्ट आउट करना है, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, सिंपली डी के आगे कॉलन और डी के बीच में आपको माइनस सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, माइनस यहाँ पर किसका काम करता है, निगेशन का। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टरीज को छोड़ के आपको जितनी भी फाइल्स हैं सबको लिस्ट आउट करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर एंटर की हिट करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि डायरेक्टरीज कितनी हैं, यहाँ पर जीरो, उसने एक भी डायरेक्टरी को लिस्ट आउट नहीं किया, बट फाइल्स कितनी हैं हमारे पास में, वो है 8। ओके, सो ये जो भी एंट्रीज हैं वो सब क्या हैं, फाइल्स हैं। ओके ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉर्टिंग करना है। ओके, सॉर्टिंग कह लीजिए या फिर ऑर्डरिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, DIR, देन यहाँ पर ऑप्शन होता है O/O मीन्स ऑर्डरिंग। अब ऑर्डरिंग किसके बेसिस पे, नेम, साइज, डेट एंड टाइम और एक्सटेंशन। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डरिंग करना है, सॉर्टिंग करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कौन से ऑर्डर में डिस्प्ले करता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब आपको वो ऑर्डरिंग किसके बेसिस पे करनी है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो अब अगर मुझे नेम के बेसिस पे
ऑर्डरिंग करना है तो नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, एन। ओके, तो ये क्या करेगा, नेम के बेसिस पे ऑर्डरिंग करेगा। और कौन से ऑर्डर में डिस्प्ले होगी फाइल्स, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर की हिट की तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर उसने ए से जितनी भी फाइल्स थी उनको लिस्ट आउट किया, देन ए के बाद में एफ, एफ के बाद में एम एंड लास्ट में ओ। ओके, तो ये तो क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में फाइल्स को, फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट आउट किया। ओके, ऐसे ही अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, अगेन कॉलन और एन के बीच में मैं यहाँ पर माइनस सिंबल ऐड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का क्या मतलब हुआ कि ये रिवर्स ऑर्डरिंग करेगा। रिवर्स मतलब पहले क्या हो रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा था, अब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट आउट करेगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो उसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट आउट कर दिया। ओके, ऐसे ही अगर आपको एक्सटेंशन के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है तो आप क्या करोगे, dir slash o then colon, अब मुझे एक्सटेंशन वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, e है। ठीक है, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, e। ठीक है, अगर मैं एक्सटेंशन के बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में ये डिस्प्ले करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर एंटर की हिट करता हूँ तो उसने क्या किया कि ये जो फाइल्स थी हमारी आप देख सकते हो सबसे पहले क्या आ रहा है, डॉक एक्स, यानी कि हमारी जो एम एस वर्ड की जो फाइल्स है उसको इसने लिस्ट आउट किया, और लास्ट में जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, डॉट टी एक्स टी फाइल्स, उनको लास्ट में उसने लिस्ट आउट किया। ओके, तो ये तो क्या हो गया, एक्सटेंशन के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आउट करना। बट अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, dir slash o, अब यहाँ पर e से पहले मैं क्या करूँगा, माइनस सिंबल यूज़ करूँगा, देन e। ठीक है, क्योंकि मुझे फाइल्स को एक्सटेंशन के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पर एंटर की हिट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा था, सबसे पहले docx फाइल ऊपर ही ऊपर लिस्ट आउट हो रही थी, अब उसने क्या किया, जो txt फाइल्स हैं उनको सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है, और वो भी किसके बेसिस पे सॉर्टिंग हो रही है, एक्सटेंशन के बेसिस पे। सो ये हो गया ऑर्डरिंग। ऐसे ही अगर आपको साइज के अकॉर्डिंग, साइज के बेसिस पे ऑर्डरिंग करना है तो आप क्या करोगे, एस यूज़ करोगे। ओके, अगर आपको डेट एंड टाइम के बेसिस पे ऑर्डरिंग करना है तो आप डी टाइप करोगे। ओके, सो इस तरह से हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिस्ट आउट करते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में पूछा गया कि जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको लोअर केस में लिस्ट आउट करना है तो आप क्या करोगे, एल ऑप्शन यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई पाथ वगैरह मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पर हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप। ओके, तो डेस्कटॉप की जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको लोअर केस में लिस्ट आउट कर देगा। तो जैसे मैंने एंटर की हिट की आप देख सकते हो यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हो कि मेरी जो तीन असाइनमेंट की फाइल्स हैं उनमें जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है वहाँ पर आप देख सकते हो उसने क्या किया, जो भी असाइनमेंट वाली फाइल्स थी उनको लोअर केस में डिस्प्ले किया। ओके, तो ये तो क्या हो गया कि अगर आपको एंट्रीज को लोअर केस में डिस्प्ले करवाना हो तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हो, एल ऑप्शन। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे बिना डायरेक्टरी स्विच किए कोई दूसरी डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट आउट करना हो तो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी है, वो भी कहाँ पर, मेरी जो यूज़र डायरेक्टरी है रविकांत नाम की, जो यूज़र डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में एक डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी है। ओके, अब मुझे उस डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी के जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको लिस्ट आउट करना है विदाउट चेंजिंग माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, dir। ओके, सो मुझे किसको रेफर करना है, पहले पेरेंट डायरेक्टरी को, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट डायरेक्टरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डॉट से। तो ये किसको रेफर कर रहा है,
जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके पेरेंट को, और डेस्कटॉप का पेरेंट यहाँ पर क्या है, रविकांत, ठीक है, रविकांत नाम की डायरेक्टरी। ओके, तो अभी तक हम कहाँ पर हैं, हमने किसको रेफ़र किया, पेरेंट डायरेक्टरी को। अब मुझे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी के जो भी कंटेंट हैं उसको लिस्ट आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाथ सेपरेटर यूज़ करूँगा। पाथ सेपरेटर विंडोज़ में क्या होता है, बैक स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। देन अब मुझे सिर्फ डी ओ डब्ल्यू इतना ही टाइप करने की ज़रूरत है, और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, टैब की जैसे ही हिट करूँगा तो वो क्या करेगा, ऑटो कम्प्लीट कर देगा। सो ये उसने ऑटो कम्प्लीट किया। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सी डी कमांड यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्टरी स्विच नहीं की है, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर की हिट करूँगा तो बिना डायरेक्टरी स्विच किए वो क्या करेगा, डाउनलोड्स के जो भी कंटेंट है, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, उन सबको यहाँ पर लिस्ट आउट कर देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसने क्या किया, जो डाउनलोड्स डायरेक्टरी थी रविकांत नाम की डायरेक्टरी के अंदर, उस डाउनलोड्स डायरेक्टरी का जो भी कंटेंट था, उसकी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी थे, उन सबको यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट DIR command. Thank you so much for watching this tutorial.